लैंग्वेज टाइम में नंबर्स, ओके। नंबर्स से पहले सेमी, व्हाट इज द नेम ऑफ अवर स्कूल? तो बोलना है आपको माय स्कूल नेम इज किड्जी वंडरफुल स्कूल। नेम थ्री सेंटेंस अबाउट अवर स्कूल। तो माय स्कूल नेम इज किड्जी वंडरफुल स्कूल। इट इज वेरी बिग। आई लव माय स्कूल। थ्री सेंटेंस हुआ ना। हमें बोलना है अब थ्री प्लेस नियर अवर नेबरहुड। थ्री प्लेस कौन सा है हमारे स्कूल के पास? तो गार्डन, टेम्पल, वेजिटेबल मार्केट। गार्डन है हमारे स्कूल के पास, मंदिर है, टेम्पल है और वेजिटेबल मार्केट। ओके, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हम करेंगे नंबर्स। यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। हाँ, आपको रिपीट करना है मेरे पीछे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, वन जीरो टेन, वन वन इलेवन, वन टू ट्वेल्व, वन थ्री थर्टीन, वन फोर फोर्टीन, वन फाइव फिफ्टीन, वन सिक्स सिक्सटीन, वन सेवन सेवेंटीन, वन एट एटीन, वन नाइन नाइनटीन, टू जीरो ट्वेंटी, टू वन ट्वेंटी वन, टू टू ट्वेंटी टू, टू थ्री ट्वेंटी थ्री, टू फोर ट्वेंटी फोर, टू फाइव ट्वेंटी फाइव। वन टू ट्वेंटी फाइव हमें रोज रिपीट करना है, ठीक है। अब हम सीखेंगे लिखना वन टू फोर। वन टू थ्री और फोर, रिटर्न में हमें वन टू फोर लिखना सीखना है। तो कैसे लिखना है? वन स्टैंडिंग लाइन मेक द नंबर वन, ओके। कर्व्ड एंड स्लीपिंग लाइन मेक द नंबर टू, कर्व्ड अनदर कर्व्ड थ्री, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन के मिडल में वन स्टैंडिंग लाइन। मेक द नंबर फोर। वन टू थ्री फोर, ये आपको घर पे रिटर्न प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब हम करेंगे अल्फाबेट्स, ओके। अब हमें करना है अल्फाबेट्स, ये अल्फाबेट्स का चार्ट है, ओके। आपको घर पे भी रोज रिपीट करना है। आप मेरे पीछे रिपीट करो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, C for car, D for dog, E for elephant, F for flower, G for grapes, H for ham, I for ice cream, J for juice, K for kite, L for lion, M for mango, N for next, O for onion, P for parrot, Q for cube, R for rose, S for sweet, T for telephone, U for umbrella, V for vegetables, W for watch, X for X-ray, Y for yoga, Z for zebra, ओके? अब हम रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे A to F, ओके? अब हम रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे A से लेके F तक, A B C D E F कैसे लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ, और आपको घर पे रोज वो प्रैक्टिस करना है, हाँ, स्लेट में, नोटबुक में, ओके। वन स्टैंडिंग लाइन,
स्लिटिंग लाइन, इन द मिडल स्लिटिंग लाइन, मेक द लेटर ए। वन स्लिटिंग लाइन कर्व, अनदर कर्व, मेक द लेटर बी। कर्व, मेक द लेटर सी। स्लिटिंग लाइन कर्व, मेक द लेटर डी। वन स्लिटिंग लाइन एंड थ्री स्लिपिंग लाइन, मेक द लेटर ई। स्लिटिंग लाइन एंड टू स्लिपिंग लाइन, मेक द लेटर एफ। और हमें क्या करना है, ये फोर लाइन में लिखना है, रेड ब्लू ब्लू एंड रेड। लास्ट वाला जो रेड लाइन है उसे हमें लीव कर देना है, वहां तक नहीं लिखना है। तो वन टू थ्री, यहां से यहां तक बस, इसके बीच में हमें इन द मिडल ही लिखना है, टू डॉट्स के मिडल लिखना है। आपको आपके मदर फादर को बोलना है कि हमें डॉट्स कर दो, ठीक है? आपको डॉट्स को ज्वाइन करके ए टू एफ लिखने का प्रैक्टिस करना है, एवरी डे करना है, ठीक है? नाउ अब हम बनाएंगे, इट्स क्रिएटिव टाइम। क्रिएटिव टाइम में हम बनाएंगे क्रम्बल पेपर करके बस, हम बस को डेकोरेट करेंगे, ठीक है? नाउ इट्स क्रिएटिव टाइम। नाउ इट्स क्रिएटिव टाइम। क्रिएटिव टाइम में हम आज क्या करेंगे, हम हमारे बस को डेकोरेट करेंगे। कैसे डेकोरेट करना है हमें, क्रम्बल पेपर से। हाँ, तो हमें बस कहाँ से मिलेगी, हमें न्यूज़पेपर में से, मैगजीन में से। हमें कहीं भी अगर बस है, ऐसी ऐसी बस है, तो हमें उसे कट कर लेना है न्यूज़पेपर में से, मैगजीन में से, आपके ओल्ड बुक्स में से। ओके, अब हम ये बस को डेकोरेट करेंगे क्रम्बल पेपर से। हमें फर्स्टली ऐसा पेपर लेना है, ऐसा हमें पेपर लेना है, ठीक है? पर्पल कलर का पेपर है ये। कौन सा कलर का है, पर्पल। अब हम उसे पर्पल कलर को, और हमें उसके लिए क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, पेपर, फेविक्विक, देन ओके। अब हमें ये पेपर को टियर करना है। क्रम्बल करने के लिए हमें पहले फर्स्टली पेपर को टियर करना होगा। टियर करके हमें क्रम्बल कैसे करना है, ऐसे ऐसे करके हमारे पाम पे रख के हमें उसे राउंड 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 करना है। राउंड राउंड करेंगे तो पेपर क्रम्बल हो जाएगा। ऐसे हमें बहुत सारे पेपर को क्रम्बल करके फर्स्टली ऐसे साइड में रख देना है। ओके, बहुत सारे पेपर्स क्रम्बल करके साइड में रख देना है। और हमें क्या करना है, ग्लू के हेल्प से बस को पे पहले ग्लू लगाना है। जहां जहां हमें क्रम्बल पेपर लगाना है वहां वहां ग्लू लगा देना है। फिर हमें क्रम्बल पेपर लेना है और हमें वहां स्टिक कर देना है। सेकेंड वन भी हमें ऐसे करना है, सारी जगह पे हमें क्रम्बल पेपर लगा देना है बस के ऊपर। ये कौन सी कलर की बस है, रेड कलर की बस है ना। रेड कलर पे हम पर्पल कलर से क्रम्बल पेपर पर्पल कलर लगा रहे हैं। ओके, सारी जगह पे हमें लगा देना है, डेकोरेट करना है हमें, ठीक है? तो क्रम्बल पेपर कैसे करते हैं आपको पता चला ना, पेपर लेके पाम पे रखना है, उसे राउंड राउंड करना है, तो पेपर क्रम्बल हो जाएगा, ठीक है? आपको अगर कट करना ना आए ये वैन, तो आपको आपके मम्मी पापा को बोलना है कट करने के लिए, ठीक है? हमें ऐसे सारी जगह पे स्टिक कर देना है क्रम्बल पेपर, ठीक है? हमें सारी जगह ये लगा देना है ग्लू, बस के सारी जगह पे ग्लू लगा देना है और सारी जगह पे क्रम्बल पेपर लगा देना है, ऐसे वन बाय वन वन बाय वन सारी जगह पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लगाना है ताकि वो ब्यूटीफुल लगे, ठीक है? सारी जगह पे लगा देना है। हम आपको पता है बस कहाँ होता है, बस स्टेशन में होता है ना। हम स्कूल बस जाते हैं तो स्कूल वैन भी होती है ना। आपको जहाँ पे भी कटआउट दिखे आप कट कर लेना और वहाँ पे क्रम्बल पेपर करके आप लगा देना। अब आपको पता चला ना क्रम्बल पेपर मीन्स वॉट, कैसे क्रम्बल करते हैं हम पेपर्स को, है ना? आप कोई भी चीज़ ऐसे डेकोरेट कर सकते हो, वैन है, फिर आपको जहाँ भी अच्छा लगे फ्लावर्स है, कोई भी फ्लावर्स में भी आप क्रम्बल करके लगा सकते हो। पेरीविंकल फ्लावर आज आपने बताया, सीखा ना, देखा ना,
आप उस पर भी ऐसे क्रम्बल करके लगा सकते हो पेपर में, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा फिर वो, ठीक है। ऐसे सारे जगह पे हमें लगा देना है, फिर आप देखना, फिर आपको फोटो पाड़ के सेंड करना है, फोटो क्लिक करके हमें सेंड करना व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। फिर हम देखेंगे आपने कैसा ब्यूटीफुल सा बस को डेकोरेट किया है। सारे जगह पे हमें स्टिक कर देना है, ओके, पूरा भर देना है हमें, ठीक है, बस को। देखो बस कैसी लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है ना, ऐसे हमें बनाना है, ठीक है। आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ये बनाने के लिए ट्राई करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर फादर मदर सबके हेल्प से, ठीक है। नाउ इट्स, अब हम क्या करेंगे, इट्स टाइम टू प्ले। तो अब हम प्ले कैसे करेंगे, हम प्ले करेंगे सैंड से, अब हम सैंड प्ले करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे सैंड प्ले, ये क्या है, सैंड है, क्या है, सैंड। तो सैंड कहाँ होता है, सैंड बीच पे होता है। हम जब भी समर में बीच पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सैंड होता है, और हम चिल्ड्रंस को, हम छोटे छोटे किड्स को सैंड में प्ले करना बहुत अच्छा लगता है ना। तो आज हम सैंड में बनाएंगे टेम्पल, हम हाउस बनाते हैं, सब बनाते हैं ना, तो आज हम बनाएंगे टेम्पल, ठीक है। तो टेम्पल कैसे बनाना है, फर्स्टली हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे करके सैंड को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है, एक जगह पे हमें ले लेना है सैंड को ऐसे करके, ओके। फिर हमें उसे ठीक से अरेंज करना है, जैसे टेम्पल होता है वैसे हमें उसे अरेंज करना है, ठीक है, ऐसे हमें अरेंज करना है उसे। देखो ये टेम्पल का शेप हो गया ऐसे, हाँ। अब हमें टेम्पल का वे बनाना है, हमें टेम्पल में जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे, तो ऐसे करके हमें बीच में से होल करना है टेम्पल के, जो हमने सब सैंड गैदर किया उसमें से हमें वे बनाना है, और हम गेट बनाएंगे, देखो ऐसे, ठीक है, ये गेट बन गया है ना, ब्यूटीफुल सा टेम्पल है ना, हमें ठीक से बनाना है, ठीक है। अब हम टेम्पल को, हम जब टेम्पल जाते हैं फ्लावर्स लेके जाते हैं, ये फ्लावर्स है, आपके अगर गार्डन में फ्लावर है तो हमें फ्लावर ले लेना है, और हमें उसे डेकोरेट करना है। देखो ऐसे हमें उसे डेकोरेट करना है ना, देखो ऐसे हमें व्हाइट फ्लावर, रेड फ्लावर, जो भी हमारे गार्डन में अवेलेबल होगा हमें उससे डेकोरेट करना है, क्योंकि टेम्पल में फ्लावर्स होता है ना, हम फ्लावर्स लेके जाते हैं। अब हम पिंक फ्लावर लेंगे, पिंक फ्लावर से भी हमें ऐसे डेकोरेट कर देंगे, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स लेंगे, फ्लावर से हम डेकोरेट कर देंगे टेम्पल को। टेम्पल मीन्स क्या होता है, मंदिर में दादी जाते हैं, हम जाते हैं ना, तो हमने यहाँ सैंड में क्या बनाया, टेम्पल बनाया है ना, फ्लावर से डेकोरेट हो गया, आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप डेकोरेट करो। अब हम बनाएंगे एक फ्लैग, टेम्पल पे एक फ्लैग होता है, ध्वजा है ना, जिसे हम ध्वजा बोलते हैं, तो हमें ध्वजा कहाँ लगाना है, इन द मिडल, स्लोली सा हमें वहाँ ध्वजा लगा देना है, ठीक है, स्लोली बनाना है, ठीक है। देखो वे बन गया, अब हम कैसे जाएंगे, यहाँ से हमें अंदर टेम्पल में जाना है, ठीक है, अंदर कौन है, गॉड है ना। देखो ब्यूटीफुल सा टेम्पल बन गया, तब आपको सैंड में इस तरीके से प्ले करना है, ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो हमें ऐसे सैंड में टेम्पल बना सकते हैं, हाउस बना सकते हैं, ठीक है, तब ट्राई करना, जब भी आप जाओ बीच पे तब आप ये टेम्पल बनाना, ठीक है, या आपके घर सैंड हो तो आप इस तरीके से टेम्पल बनाना, आपको मजा आया, यस। Now it's time to say bye-bye. Bye, bye-bye. Kids.